नो, 20,000 बिल हो गया। अरे यार, कितना पैसा खर्च कर दिया मैंने इस शॉपिंग के चक्कर में। अब पूरे महीने क्या करूंगी, कटोरी लेकर रोड पर बैठ जाऊं। वाह बड़ा, तूने शॉपिंग की है, दिखा जरा क्या क्या लिया है। यार मैंने 20,000 स्पेंड कर दिया। क्या 20,000? पर तेरी सैलरी तो उससे भी कम है, बाकी का कहाँ मिला तुझे? थोड़ा पैसा बैंक पे सेव किया था, वो भी उड़ा डाली। साली, कितनी बार तेरे को बोला पैसा सोच समझ के खर्च कर। अब क्या होगा सोमा? अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर आगे से जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुन। रिसर्च में पाया गया है कि शॉपिंग के टाइम क्रेडिट कार्ड के बदले अगर हम कैश में पे करते हैं तो हम ज्यादा स्पेंड नहीं करते, क्योंकि पैसा फिजिकली इतनी आसानी से हाथों से नहीं निकलते हैं जितनी आसानी से डिजिटली निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा सारे पेमेंट कैश से ही करनी चाहिए। भाई अब से मैं अपने पास सिर्फ कैश ही रखूंगी। तो गाइस, अगर आप भी मनी सेव करना चाहते हो ना, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके 20,000 लाइक्स तक पहुंचा दो प्लीज। और नए दोस्त कहाँ जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब चलो हैक स्टार्ट करते हैं। नो 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 नो। मैंने जोड़ा है। ये रिंग किसने गिफ्ट किया यार? ओए बैंड रखे, कौन देगा, मैंने खुद लिया है, पर ये मेरे हाथों में लूज है यार। हाँ यार, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, पर एक मस्त आइडिया है। आइडिया? मैंने पता था तू मेरी मदद जरूर करेगी। हाँ वो भी तो, तू एक काम कर, तू ये रिंग मुझे दे दे, मेरे फिंगर में तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। साली मैंने सोचा था हैक बताएगी, ज्योति है यार। जाती हूँ जाती हूँ, तेरा पैसा बर्बाद हो गया इसलिए ही तो बोल रही थी, वरना मेरा क्या। अगर ऑनलाइन रिंग खरीद के पछता रहे हो और रिंग हाथों में फिट नहीं आ रहा है, तो बस ग्लू गन लो और रिंग के अंदर ऐसे लगा लो। बस उंगली के साइज के अकॉर्डिंग ग्लू लगा लेना, अब इसे लेकर पहन लो, देखना रिंग एकदम शेप में आ जाएगा और पैसा भी सेव हो जाएगा। खाती है? तेरे को क्या है? हर बारी तो टूथपेस्ट खत्म कर देती है, इस बार मैंने नहीं किया। झूठ बोलती है साली, रुक तू। अरे सुन ना, ये मेरी आदत है, हर बार टूथपेस्ट निकालते टाइम ज्यादा निकल जाता है, तो ये हैक फॉलो करना। देखो हम में से ज्यादातर ही टूथपेस्ट को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक पी साइज टूथपेस्ट ही ब्रश करने के लिए इनफ होता है। तो हमें क्या करना है, टूथपेस्ट को लेना है और ढक्कन को खोलना है, उसके बाद हमें लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर को लेकर टूथपेस्ट ट्यूब के मुंह में ऐसे चिपका देना है, अच्छी तरीके से चिपकाना है ताकि फॉइल पेपर एकदम सेट हो जाए। अब एक सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन की मदद से एक छोटा सा होल बनाना है। अब टूथपेस्ट को हर दिन ऐसे यूज करना, वेस्ट होने का कोई चांस ही नहीं। मेरे फेस बहुत ड्राई लग रहा है। हाँ, इसे लगा लेती हूँ। हाँ? ओए तेरी माँ के, ये तो एक्सपायर हो गया। ए मेरा कान में जला, शू पॉलिश है तेरे पास? तेरे को अपनी शू पॉलिश की पड़ी है। मेरा नया कोल्ड क्रीम एक्सपायर हो गया। No! अब इसे फेंकना पड़ेगा। अरे अरे मत फेंक, ये भी काम आ जाएगा। वो कैसे? अगर शूज गंदे हो गए हैं और शू पॉलिश करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भाई अपना एक्सपायर्ड फेस क्रीम क्यों फेंक रहे हो? बस अपना फेस क्रीम लो और गंदे वाले शू के ऊपर ऐसे लगा लो, फिर एक वाइप की मदद से शू को ऐसे क्लीन कर लो, एकदम शू पॉलिशर क्रीम की तरह काम करेगा। हुआ ना पैसे बचाने का बेस्ट टेक्निक। बाबा दम का म्यूजिक सिस्टम पैपे कर रहा है तब से, मुझे नहीं डांस करनी। हाँ यार सोमा, इसमें कोई बेस भी नहीं है, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम ऑफर में चल रहा है, रुक। और ये तो 60% डिस्काउंट भी दे रहा है, चल खरीद ले। सच्ची?
ले ऑर्डर कर। नहीं यार मुझे नहीं खरीदनी। पर क्यों, अभी तो ऑफर चल रहा था और कम प्राइस में भी मिल जाता। हाँ कितना सेव हो जाता तेरा। अरे यार प्राइस कम हो या ज्यादा मेरे को नहीं खरीदनी रे। पर रीजन तो बता। इस वीक मेरा नो स्पेंड वीकेंड चैलेंज चल रहा है। मतलब क्या चक्कर है भाई? देख ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर सेल रियल में सेल नहीं होते। ये बस मार्केटिंग का एक टेक्निक है जिससे लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि खरीद लो भाई खरीद लो, बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर। और हम भी सी बनकर वो सब कुछ खरीद लेते हैं जो हमें जरूरी भी नहीं होते। इसीलिए हमेशा ऑफर के चक्कर में किसी भी चीज खरीदने से पहले ना ये सोच लिया कर कि बाद में भी वो चीज क्या उतना ही काम में आएगा जितना अब लग रहा है। और साथ में ये नो स्पेंड वीक, जिस वीक हमें कुछ भी नहीं खरीदना है, बस ये सोचना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और इसी टेक्निक से हम ढेर सारे पैसे सेव कर पाएंगे। अच्छा अब समझी, इस ऑफर के चक्कर में साला मेरा सेविंग सब खत्म हो जाता है। पर अब से नहीं होगा। जाके नहा ले, ऐसे परफ्यूम बर्बाद मत कर। अबे विंटर में मेरा एक ही उसूल है, 15 दिन में एक बार नहाना और बाकी के दिन परफ्यूम से काम चलाती हूँ। अबे मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, घूमने जा रही हूँ समझी। अबे साली ज्यादा भौंक मत और सुन, अगर परफ्यूम ज्यादा लगाने की आदत है तो कोकोनट ऑयल ले लो, और जहाँ जहाँ पे परफ्यूम लगाना है वहाँ पे पहले कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लगा लो, क्योंकि कोकोनट ऑयल परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो ऑयल डैप डैप करने के बाद फिर लगाओ परफ्यूम। ऐसे करने से जो एरोमा है वो सैचुरेटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो अगली बार से परफ्यूम वेस्ट करने से पहले ये ट्रिक जरूर फॉलो कर लेना। ए अपना टाइम कितना हुआ? क्यों? मैं टाइमर मशीन हूँ। अरे यार 1 बजे कॉलेज पहुँचनी थी, मैं जल्दी जाके रेडी होती हूँ। नो, फाउंडेशन को भी अभी खत्म होने का था, अब मैं कैसे जाऊंगी? ऊपर से लेट भी हो गई हूँ। ओ नो यार। ओए ड्रामा क्वीन, इतनी पैनिक क्यों कर रही है? चिल कर और मेरी बात सुन। अगर फाउंडेशन खत्म हो गया है और नहीं निकल रहा है तो एक बोल में गर्म पानी लो और फाउंडेशन की बोतल को गर्म पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दो। कुछ देर बाद पानी से रिमूव कर लो, फिर देखना पहले की तरह फिर से फाउंडेशन निकल रहा है। बताओ कैसे लगी पैसे बचाने का निंजा ट्रिक? अब से मैं तो यही ट्रिक फॉलो करूंगी भाई, और आप भी यही करना। और हमें प्यार देना मत भूलना, 20,000 लाइक कर देना, इससे हमें बहुत प्यार मिल जाएगा। और साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना प्लीज। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना और घंटी भी बजा लेना। तो मिलता है नेक्स्ट कोई धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।